2014 के जो अरविंद केजरीवाल थे वो जब बात करते थे तो बिजली पानी शिक्षा इन सब की बात करते थे 2023 तक आते आते अरविंद केजरीवाल सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करने लगे उन्हें भी मंदिर में उन्हें भी पूजा पाठ करते हुए दिखाना पड़ा ना बिल्कुल नहीं आप मुझे जानते नहीं हो मैं, मैं तो बहुत पहले से जानता हूँ ना आप मेरे को <laughs> मे... मैंने कभी आपको बताया ही नहीं कि मैं किस किस की भक्ति करता हूँ किस किस की भक्ति नहीं करता ना आप ना आपने कभी मेरे से पूछा और ना कभी मैंने आपको बताया आप मेरे घर आते तो मैं आपको बताता कि ये हमारे घर में मंदिर है यहाँ पे मैं अपने माता पिता के साथ पत्नी के साथ यहाँ पूजा करता हूँ अब अगर मैं राम मंदिर चला गया मैंने तो कोई उसका ढिंडोरा नहीं पीटा चारों तरफ मैं तो गया और आ गया भक्ति करके ना मैंने कोई ढिंडोरा पीटा तो मैं अगर वहाँ चला गया पूजन कराया उनका आशीर्वाद ले आया भगवान जी का तो इसमें क्या गलत है कहते हैं ये सॉफ़्ट हिंदुत्व है ये मेरी अपनी श्रद्धा है मेरी अपनी भक्ति है ये कोई हिंदुत्व सॉफ्ट हिंदुत्व हार्ड हिंदुत्व ये टर्म्स तब आती हैं जब आप हिंदुत्व के जरिए वोट लेने की कोशिश करते हैं जब आप हिंदुत्व के जरिए अपने भक्ति की नुमाइश करते हैं जब आप वो सही नहीं है अरविंद जी एक सवाल जरूर जो कि इस वक्त हर आम आदमी के मन में है आपने जो गठबंधन कांग्रेस से किया एक वक्त था जब आपने कांग्रेस पर ही कहा था कि ये पार्टी सही नहीं है करप्शन के चार्जेस लगाए फिर उसी कांग्रेस से गठबंधन करने की वजह आज देश की हालत इस समय समय अलग होता है हर समय अलग होता है परिस्थितियाँ अलग होती हैं आज देश की हालत इस तरह है कि जिस किस्म की केंद्र सरकार है उस सरकार ने पूरे देश का बेड़ा गर्क कर दिया है एक तरफ लोग दुखी हैं और दूसरी तरफ जनतंत्र के ऊपर पूरी तरह से प्रहार हो रहा है इस वक्त सब लोगों को साथ आके केवल बात कांग्रेस की नहीं 140 करोड़ लोगों को साथ आके ये केंद्र से सरकार हटाने की जरूरत है स्कूलों की थोड़ी बात कर लेते हैं स्कूलों की जो व्यवस्था दिल्ली में लागू की गई जब हम पूरे देश की स्कूलों में देखते हैं तो अभी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें गुजरात को थोड़ा सा बेहतर बताया गया था स्कूलों के मामले में ऐसा क्यों वो रिपोर्ट मैंने तो नहीं देखी ऐसी <laughs> कौन सी रिपोर्ट है जो गुजरात के मैं भी गया था स्कूलों में अच्छा एक चीज़ बताओ प्रधानमंत्री जी को जब गुजरात के सरकारी स्कूल में जाके फोटो खिंचवानी थी उनको एक स्कूल पूरे गुजरात में ऐसा नहीं मिला जो फ़ोटो खिंचवाने लायक था फिर एक टेम्पोरे टेंट के अंदर एक क्लासरूम बनाया गया आर्टिफिशियल क्लासरूम बनाया गया जिसमें चार बच्चों को बिठाया गया और वहां पे उनको फ़ोटो खिंचवानी पड़ी

दिल्ली सरकार के स्कूल थे कुछ एक छोड़ के बाकी सारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया जो बच गए उनको करेंगे एम अब हमारे पास आई है एम के लगभग अठारह सौ प्राइमरी स्कूल हैं उनकी भी हालत बहुत खराब है नेक्स्ट स्टेज में उनको सबको ठीक करना है उनको बेहतर बेहतर बनाना है और स्कूलों के अंदर अब इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक कर दिया टीचर्स को मोटिवेट कर दिया अब करिकुलम जो है उसके ऊपर चर्चा चल रही है आपको जान के ताजुब होगा कि हम ग्यारहवीं और बारहवीं के बच्चों को बिजनेस करना सिखा रहे हैं ग्यारहवीं बारहवीं के स्कूल के बच्चों को हमारा ये मानना है कि देश के अंदर बेरोजगारी तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक हमारे बच्चे जो निकलते हैं कोई बीएससी करके निकल रहा है कोई बीए करके निकल रहा है कोई बीकॉम करके निकल रहा है कोई एलएलबी करके निकल रहा है और हर बच्चा निकलने के बाद नौकरी ढूंढ रहा है इतनी नौकरियां कहां से आएंगी हमें अपने बच्चों को बिजनेस करना सिखाना है ताकि वो स्कूल से निकलने के बाद नौकरी ढूंढने वाला नहीं नौकरी देने वाला बने वो हम सिखा रहे हैं आपको जान के वहां पर अब हमारे लगभग ढाई लाख बच्चे हैं बारहवीं क्लास के अंदर पूरे सिस्टम में हर बच्चे को हम दो दो हजार रुपये देते हैं और उनको कहते हैं कोई बिजनेस आइडिया सोचो तो पांच बच्चे दस बच्चे इकट्ठे हो जाते हैं तो दस बच्चे इकट्ठे हो गए तो उनके बीस हजार रुपये हो गए वो फिर कोई बिजनेस आइडिया सोचते हैं उसको मार्केटिंग करते हैं फेसबुक पे व्हाट्सएप पे अपना माल बेचते हैं फिर हम बड़े बड़े देश के उद्योगपतियों को लाके उन बच्चों से प्रेजेंटेशन कराते हैं वो बच्चे प्रेजेंटेशन करके उन उद्योगपतियों से अपना लोन रेज करते हैं ग्यारहवीं के बच्चे बारहवीं के बच्चे सरकारी स्कूलों के बच्चे आपको जान के एक ताजुब होगा एक बच्ची से जब हम एक टीम से जब हम प्रेजेंटेशन ले रहे थे वो टीम की बच्ची कहती है प्रेजेंटेशन देते टाइम कि सर अब मैंने लगभग लग तीस बच्ची लोगों को युवाओं को रोजगार दे दिया है अब अगली स्टेज के अंदर हम आईआईटी दिल्ली में जा रहे हैं रिक्रूटमेंट करने के लिए बारहवीं की बच्ची दिल्ली के सरकारी स्कूल की बच्ची कॉन्फिडेंस के साथ कह रही है कि मैं कैंपस इंटरव्यू करने के लिए आईआईटी दिल्ली जा रही हूं देश के लोगों को रोजगार तो तभी मिलेगा जब हमारे बच्चों को हम तो ये करिकुलम को लेकर अब हम नए नए एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं अपने स्कूलों के अंदर करिकुलम में जब आप चेंजेस कर रहे हैं तो इतिहास की किताब तो नहीं बदलेंगे आप नहीं इतिहास की किताब नहीं बदली लेकिन जैसे अभी हमने हैप्पीनेस करिकुलम किया खुश कैसे रहना है तो हर क्लास के अंदर रोज सुबह 45 मिनट पहले 45 मिनट मेडिटेशन होती है उनको इंस्पायरिंग कहानियाँ सुनाई जाती है और आपको जान के ताजुब होगा जब वो राष्ट्र ट्रम्प साहब आए थे देश में उनकी वाइफ मेलानिया ट्रम्प वो दिल्ली के सरकारी स्कूल के हैप्पीनेस क्लास अटेंड करके गई थी हमारी उसने वहाँ सुना हुआ था अमेरिका में सुना था कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों में कोई हैप्पीनेस क्लास चलती है जो बहुत अच्छी है वो आई उसने पैंतालीस मिनट पूरी हैप्पीनेस क्लास अटेंड की थी